नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपकी आई डॉक्टर डॉक्टर अंकिता सबरवा। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, हमारे न्यू बॉर्न बेबीज के। कई बार आपने सुना होगा और एक्सपीरियंस किया होगा कि छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी आंखों में से पानी आता रहता है, हर वक्त एक आंख के सामने डिस्चार्ज रहता है, आंखें पूरी ठीक से खुलती नहीं है, एंड देयर इज अ स्टिकीनेस अराउंड द आईज। जी हाँ, मेरे पास बहुत ही वरिड पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली दादी और नानी, कि हमेशा पानी आ रहा है जब से बॉर्न हुआ है बच्चा। सो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, तो उसके बारे में आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हमें ये देखना है कि अगर बच्चों को ये पानी आ रहा है और उससे डिस्चार्ज है, तो क्या किसी वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है? बच्चे के कमरे में किसी तरह का कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती या पोछा आप किसी मेडिकेटेड चीज़ से तो नहीं कर रहे हो? कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम तो नहीं है? हैंड सैनिटाइजर्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज तो नहीं है कि किसी स्मेल की वजह से बच्चे को ये चीज़ तो नहीं हो रही है? उसके बच्चे के कपड़े किस चीज़ में धुल रहे हैं? क्योंकि बहुत बार बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ये आई में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे की आँख अंदर से लाल है और आप जब देख रहे हैं तो आँख की पुतली में भी किसी तरह का कोई फर्क लग रहा है, तो आपको उसमें तो फौरन आपके आई डॉक्टर ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तीसरी चीज होती है जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो होती है पंक्टम ब्लॉकेज। कि ये बच्चों की ये यहाँ पर आप हमेशा सबके देखेंगे कि एक तरह का एक छेद होता है, वो कई बार ब्लॉक होता है, या फिर एक ट्यूब होती है जिसे हम आँख से नाक और नाक से थ्रोट में कनेक्शन होता है, ठीक है, एक यहाँ देयर इज अ ट्यूब। सो वो लैक्रिमल सैक के साथ में वो जो ट्यूब है उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज है, जो इससे पानी पूरा नीचे ना आके हमेशा पानी आंखों में भरा रहता है। एक जाहिर सी बात है, अगर आप एक कटोरी में पानी काफी दिनों के लिए रखेंगे तो हमेशा पानी चिपचिप रहता है, वैसे ही आंखों में भी, कि अगर पानी सर्कुलेट ठीक नहीं हो रहा है इन द नोज एंड द थ्रोट, तो वहां हमेशा एक चिपचिपाहट रहती है, हमेशा एक क्रस्टिंग सी रहती है। तो बच्चे की आंख आप बारी बारी साफ करिए। उसको साफ कैसे करेंगे? स्टेराइल कॉटन बॉल्स मिलती हैं केमिस्ट की शॉप पे, आप वो ले लीजिए। 4-5 बॉल आप उबलते हुए पानी में पानी लीजिए, उसको उबाल लीजिए 5 मिनट के लिए, और उसके बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो एक निकालिए कॉटन बॉल और उसे धीरे से क्लीन कर दीजिए, जिससे कि बच्चे की आंख हमेशा साफ रहनी चाहिए। और दूसरी चीज होती है एक सैक मसाज, जिसे हम मिल्किंग भी कहते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना है, स्पेशली मदर्स ही करती हैं, और जब भी आप दूध पिला रहे हो बच्चों को, उससे पहले आप ये चीज करिए। ये वाली उंगली ले और इसको यहां जहां पर ये पंक्टम है या दोनों चीज मिलती है, ज्वाइन करती है, उस पर जोर से दबाएं और अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाएं, और फिर नीचे की तरफ क्या करें, इस पॉइंट के ऊपर अंदर की तरफ दबाएं और नीचे की तरफ, जिसे आप प्रेस करेंगे, हाँ, जो भी फ्लूइड होगा वो थोड़ा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद उसको क्लीन कर दीजिए। अपनी तरफ से प्लीज कोई होम रेमेडीज मत यूज करिए, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी स्किन, मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो वो ये जो डिस्चार्ज है अभी तो ये नॉर्मल स्टेराइल डिस्चार्ज है, उसके बाद जब आप कुछ कुछ उसमें डाल देते हैं तो वो इन्फेक्टिव हो जाता है, उससे आगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत हाई चांसेस होते हैं, जिससे कि बाद में नजर पे भी इफेक्ट। So, ये बहुत ही सिंपल है, एक बार हम दोबारा करेंगे कि ये दोनों जहां पॉइंट मिलता है उसको आप जोर से दबाइए अंदर की तरफ और नीचे। ममाज प्लीज डरिए मत, ये बोन बहुत स्ट्रांग है, जब आप दबाएंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। कई बार होता है कि बच्चा थोड़ा रो भी पड़ता है, आप उसको दूध पिलाओगे वो चुप हो जाएगा। बहुत बार जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो मतलब दिस इज वेरी वेरी आई मीन नॉर्मल थिंग, कि पेरेंट्स को करने में घर पे डर लगता है, जैसे ही बच्चा रोता है उनकी दिल की धड़कनें वहीं रुक जाती है, तो वो मेरे पास आते हैं, हम उसे 2-3 बार भी करते हैं बच्चों की, तो ये 99.9% खुल जाती है, ये बार बार पानी नहीं आता है। बट अगर हम इस चीज को डिले कर देंगे, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मे बी से आफ्टर 9 मंथ्स और मे बी ईयर ओल्ड हो जाता है, तो फिर हमें ये ऑपरेशन थिएटर में जाके बेहोश करके बच्चे की यहाँ से सिलाई डाल के ये जो पाइप है उसको खोलना पड़ता है। मैं नहीं चाहती हम बच्चों पे बाद में इतना अत्याचार करें, जो चीज हम पहले से ठीक कर सकते हैं उसको डिले क्यों करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कंसल्ट करिए, मेरे से बात करिए, बच्चे को लेके आइए, हम मिलके उसका सोल्यूशन कर लेंगे। सो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, डोंट मेक इट बिग। आई नो बच्चे की हमेशा आंख गंदी रहती है तो हमें खराब लगता है, इस चीज को डिले मत करिए, इग्नोर मत करिए, कीप डूइंग दिस सैक मसाज, इट इज वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल। आप करिए 2-3 दफा, अगर आपसे नहीं खुलता है, नहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, तो आप मेरे पास लेके आइए।
आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. ये प्रॉब्लम जो हमारी डे टू डे है बच्चों के साथ, आप बहुत लोगों को सुनेंगे, उनको भी गाइड करिए. ऑल दीज वीडियोज आर देयर टू एजुकेट ऑल ऑफ अस, जिससे हम एक दूसरे की मदद कर पाए. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आप लोगों को ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं और आप आगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर रहे हो. सो माई मोटिव इज टू एजुकेट एवरीबडी सो दैट वी नो वॉट आर द फैक्ट्स एंड वॉट आर द मिथ्स. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.